कैनेडियन जनता लिए इस फॉल जारी हो सकता है प्रूफ ऑफ कोविड 19 वैक्सीनेशन। कैनेडा ने खोले लैंड बॉर्डर्स, अमरीकियां वास्ते भारत तो सीधिया उड़ाना ते लगी पाबंदी वधाई 21 सितंबर तक। ते कोविड 19 की चौथी लहर दरमियान देश विच हो सकदियां ने अगले महीने फैडरल चोणा। तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम खबरसार हफ्तावार, मैं मनिंदर गरेवाल। फैडरल सरकार देश के सारे ही सूबियां टैरिटरीज और मूल निवासी लोगों के नाल मिल के कोविड 19 वैक्सीनेशन डेटा ले रही है ते आउंदी फॉल तक देश विच प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन दस्तावेज बन के जारी होना शुरू हो जाएगा ता जो फुली वैक्सीनेटेड लोगों नू देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय यात्रा वेले वैक्सीनेशन का सबूत देन लग्या कोई परेशानी पेश ना आए। ए दस्तावेज पूरे मुल्क विच इको जिहा ही लागू किया जाएगा। इस उपर प्रूफ धारक का नाम होएगा, कोविड 19 वैक्सीन कदों लग्या ते केड़ा लग्या ते किस क्लीनिक विच लाया गया इसकी डिटेल दर्ज की जाया करेगी। फैडरल इमीग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेंडिचिनो ने एक बार फिर भरोसा भी दवाया कि फैडरल सरकार एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लैन वालों को यूएस विच वैक्सीनेटेड मन्ने जाने भी काम कर रही है ते छेती ही कोई चंगी खबर इस बारे भी आ सकती है। कैनेडा की वड्डी गिनती आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है ते हुण जाके हैल्थ कैनेडा ने फाइजर कोविड 19 वैक्सीन की प्रोडक्ट इनफॉर्मेशन विच ए जानकारी जोड़ी है कि इस नूं लवाउण नाल बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट बेल्स पॉलिसी का सामना करना पै सकता है। कैनेडा अते देश दे बाहरों इससे थोड़े जिहे मामले सामने आए ने पर आए जरूर ने जिथे कोविड 19 वैक्सीन लवाउण वालियां दे चेहरे का एक हिस्सा कुछ हफ्तियां लई पैरालाइज्ड हो गया और ना उस पासे दी अख चपक सकते सन, सिर दुखदा रहा, चेहरे दी एक पासे दियां मांसपेशियां कमजोर होण करके राल वगदी रही अते अखां विच्चों पाणी वगदा रहा। देश की 63% तो वध आबादी कोविड 19 वैक्सीन लै चुकी है ते हुण जाके फाइजर बारे ये चेतावनी जारी हुई है जबकि मोडर्ना वैक्सीन ते ये चेतावनी पहलां तो लिखी जा रही सी। कैनेडा ने इस हफ्ते तो फुली वैक्सीनेटेड अमरीकियां की गैर जरूरी यात्रा वास्ते कैनेडियन बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोल दित्तियां ने। पहले दिन रातों ही बॉर्डर क्रॉसिंग्स से लंबियां कतारां भी वेखियां गईयां। घूमण फिरन वालियां की गिणती अजे घट है ते उन्हां दी ज़्यादा है जो अपने परिवारक मैंबरां नूं ते दोस्तां नूं 17 महीने तो मिल नहीं सके या जिन्हां दीआं इधर प्रॉपर्टीज़ ने। यूएस विच रोज़ाना कोविड 19 इन्फेक्शन के हज़ारां मामले दर्ज किए जा रहे हैं। फ्लोरिडा विच इस वेले इन्फेक्शन नाल हस्पतालां विच रिकॉर्ड गिणती विच बच्चे भर्ती हो रहे हैं पर कैनेडा ने बॉर्डर लांघे खोल दिते जबकि यूएस ने मैक्सीको और कैनेडा वास्ते 21 अगस्त तक अपने बॉर्डरस बंद किए हुए ने। इतों तक कि जरूरी यात्रा लई कैनेडा का हवाई सफर करन वाले अमरीकियों नूं लैवल 2 ट्रैवल एडवाइजरी तहत बहुत सावधानी वरतण नूं कहा जा रहा है। उधर कैनेडा ने यूएस तो आने वाले लई बॉर्डर क्रॉसिंग्स तक खोल दित्तियां ने पर भारत तो डायरैक्ट फ्लाइट्स से लगी रोक की म्याद सगों 21 सितंबर तक वधा दित्ती है। बरतानिया जिथे भारतीय वेरियंट डेल्टा का सब तो पहला ते सब तो वध प्रकोप सी उसने भी भारत तो आउंदियां फ्लाइट्स ते रोक हुण हटा दित्ती है। फुली वैक्सीनेटेड भारतीयों नूं हुण पहला वांग उत्थे जाके 10 दिन वास्ते क्वारंटीन भी नहीं करना पैंदा पर कैनेडा नूं भारत तो खतरा महसूस हो रहा है ते इसकी एक वजह यह भी दसी जा रही है कि भारत तो डायरैक्ट फ्लाइट्स राही आउंदे रहे बहुत सारे लोग शुरू तो ही कोविड 19 का नैगेटिव टैसट रिपोर्ट जाली लैके आउंदे रहे ने। चीन की एक अदालत ने इस हफ्ते कैनेडियन नागरिक रॉबर्ट शेलनबर्ग नूं जासूसी के दोषों तहत सुनाई मौत की सज़ा बहाल रखने का फैसला सुना दिता ते उस तो दो दिन बाद एक होर कैनेडियन नागरिक माइकल स्पेवर नूं जासूसी के ही दोषों तहत 11 साल की जेल हो गई। स्पेवर कैनेडियन व्यापारी है, उस दे नाल 2018 कैनेडियन डिप्लोमैट माइकल कोवरिक नूं भी जासूसी के ही चार्जिस तहत चीन में गिरफ्तार कर लिया गया सी। उस उपर भी मुकदमा चल रहा है ते अजे उसकी किस्मत का फैसला होना बाकी है। ये दोवें गिरफ्तारियां 2018 यूएस के कहण से कैनेडियन अधिकारियों वालों वैनकूवर हवाई अड्डे से की वावे एग्जैक्टिव मंग वांगजू की गिरफ्तारी तो बाद हुई सन। वांगजू की अमरीका हवालगी का मुकदमा इन्हीं दिनी ब्रिटिश कोलंबिया की एक अदालत में चल रहा है। चीन ने इस मामले का कोवरिक या शेलनबर्ग की गिरफ्तारी नाल कोई संबंध ना होने की गल कही है पर धमकी नुमा एक सलाह भी कैनेडा नूं दित्ती है कि वांगजू नूं चुप चुपीते चीन भेज दिता जाए ता ही दोहां देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं, यानी कोवरिक और स्पेवर रिहा भी हो सकते हैं। उधर विरोधी धिर फैडरल सरकार से दबाव पा रही है कि चीन तक अपनी नाराजगी सख्ती नाल पुछती करे, इन्ना ही कर दे कि अगले साल चीन में होने जा रही विंटर गेम्स का बॉयकट करे, यानी अपने 3 नागरिकों नूं छुड़ाउण वास्ते कैनेडियन सरकार सिवाय विंटर गेम्स के बॉयकॉट तो चीन नूं डराउण लई होर कुछ नहीं कर सकती। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नूं एनडीपी लीडर जगमीत सिंह तो लैके कंजरवेटिव लीडर एरिन अटूल तक बार बार कह चुके हैं कि यह वेला फैडरल चोणां का नहीं है। देश की जनता कोविड 19 कारण माली परेशानियों का सामना कर रही है, उतों अजिहे वेले विच कराईयां गईयां चोणां आउटब्रेक्स अते घट वोटर टर्नआउट का ही नतीजा लैके आउणगियां।
पर चोणां शायद 20 सितंबर नूं हो सकदियां ने। प्राइम मिनिस्टर आउंदे एतवार गवर्नर जनरल मैरी साइमन नूं मिलन जा रहे हैं ते 16 अगस्त नूं चोणां कराउण दा ऐलान हो सकता है। 36 दिन की छोटी जिही चोण मुहिम की इजाजत कानून भी दिंदा है। उंज कोविड-19 की चौथी वेव दौरान चोणां ना कराउण की दुहाई दे रहे विरोधी पार्टियां के आगू भी लगातार अपने चोण मैनीफेस्टो दीआं गल्लां सीधे असिधे तौर पर जनता के कन्नां विच पाउंदे जरूर आ रहे हैं। ठग इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स नूं फड़न वास्ते कैनेडा सरकार नवंबर विच कॉलेज ऑफ इमीग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स नां दा एक अदारा शुरू करन जा रही है। इस कॉलेज नाल जुड़े अधिकारियों कोल कैनेडा विच सरगर्म ठग कंसल्टेंट्स के दफ्तरां दी तलाशी लैण अते उन्हां दे लाइसेंस रद्द कराउण दी शक्ति होएगी। अंतरराष्ट्रीय खबरों में अजकल अफगानिस्तान छाया हुआ है। अफगानिस्तान के लोगों की किस्मत उत्थों की सरकार के सिवा शायद हुण कोई बदल नहीं सकता। कोई गवांडी मुल्क भी नहीं ते ना ही नेटो मिशन। 20 साल अफगानिस्तान में लड़ मर के विदेशी फौजा हुण उत्थों वापसी करन लग पईआं ने ते अफगानिस्तान फिर उत्थे ही खड़ा हो गया जिथे 20 साल पहला सी। अमरीकी फौज की रुखसती पूरी तरह हुई भी नहीं है ते अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से ते तालिबान मुड़ काबज़ हो भी चुके ने। 34 विचों 11 सूबाई राजधानियां ते तालिबान का कब्जा हो चुका है ते राजधानी काबुल दे ओ बहुत नेड़े पहुंच गए ने। खबर यह भी आ रही है कि अफगानिस्तान की सरकार ने गोडे टेकते हुए तालिबान नूं पेशकश की है कि वह पावर शेयरिंग कर लैन। थक चुके लोग हुण अपना समान चुक के बच्चों समेत काबुल वल नूं भज रहे ने। उधर US प्रेजिडेंट जो बाइडन ने कह दिता है कि हुण देश अफगानिस्तान की सरकार हवाले है। अमरीकी फौजां हुण वापस अफगानिस्तान नहीं जाणगियां। कैनेडा विच कई थाही जंगली अगां नूं बुझाउंदे फायर फाइटर्स हम गए ने। ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया कहाउंदे सूबे विच जिथे साल 2010 तक कई साल एक भी हीट वेव नहीं सी होया करदी, हुण 2 महीनियां तों भी घट समय विच तीजी हीट वेव आ चुकी है। ग्रीस इटली जंगली अग्गां नाल लड़ रहे ने ते नाल ही इन्नी ज़्यादा गर्मी है कि सहारी नहीं जा रही। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जिस नूं वेखदिआं UN ने कोड रैड फॉर ह्यूमैनिटी यानी खतरे की घंटी बजा दिती है। 2015 की पैरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट विच सारे मुल्कां ने अहद लिया सी कि टैंपरेचर 19वीं शताब्दी विच धरती दे रहे तापमान नालों 1.5 डिग्री सैलसीयस तो वध नहीं होण दिता जाएगा ते ना 6 सालों विच 1.1 डिग्री वध पहुँच भी गया। धरती गर्म हो रही है, जल रही है, बर्फ पिघल रही है, छेती सुधर जाण दा वेला है। ये सन इस हफ्ते दियां कुछ खास वड्डियां कौमी ते कौमांतरी खबरां। तुसीं वेख रहे सी प्रोग्राम खबरसार हफ्तावार। मनिंदर हुंदी इजाजत।